हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। देखो वो भैया जवान ने बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों का मन ही जीत लिया है। और मेरे पास भी कुछ 10,000 वोट आए जिसमें लोगों ने बोला, 88% लोगों ने बोला कि ये धमाकेदार है, इसको 5/5 मिलने चाहिए। अब जब मैं ट्रेलर देख रहा था और मैंने स्पेसिफिकली 0.25x पे देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टोरी इस तरीके की होगी कि भाई यहाँ शाहरुख खान भैया होंगे, ओल्डर शाहरुख खान जिसकी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी सफेद है, वो और दीपिका पादुकोण का कोई रिलेशन होगा और वो दोनों के बीच के अंदर एक गाँव भी दिखाया जाएगा और वो गांव में कुछ तो अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ मुझे दिखा। और अभी हम एक एक फ्रेम को डिस्कस करने वाले हैं आगे, और उसके बाद उसको थैंक यू कर दिया जाएगा दीपिका पादुकोण को। अब जो शाहरुख खान है जो थोड़े ओल्डर लिए हैं, उसको बदला लेने का, किससे लेने का, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं है। इसमें विजय सेतुपति और थोड़ा गवर्नमेंट वर्मेंट वाला एंगल लग रहा है। और जैसे कि ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आई थी कि कहीं ना कहीं जो छोटे शाहरुख खान साहब होंगे वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जेल में पैदा होंगे, और फिर वो हाथ वाला सीन आता है और वहाँ पर उसको देखने को मिलता है और वो अल्टीमेटली बन जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो है बड़े वाले जो खूंखार वाले शाहरुख खान है उससे रूबरू होता है। अब रूबरू तो होता है, क्या यही स्टोरी है कि नहीं, जरा थोड़ा सा डायग्नोसिस करते हैं, दूसरे फ्रेम में चलते हैं, एक एक फ्रेम एनालाइज करते हैं। तो जिस थ्योरी की मैंने बात करी कि यहाँ पर एक गांव होगा और वहाँ पर अटैक होगा और अटैक होते होते गांव वाले मारे जाएंगे और साथ साथ में एक मसीहा भी आएगा, यहाँ पर देखिए मसीहा। अब इस मसीहा ने सबको एक कल्ट की तरह यूज़ किया, सबने मास्क पहन लिया यहाँ पर मसीहा को बचाने के लिए। बैकग्राउंड में यंगर शाहरुख खान की भी इंट्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर, जो कि अगेंस्ट खड़ा होगा ओल्डर शाहरुख खान। ये सीन मुझे लगता है बड़े शाहरुख खान का ही होगा, जहाँ पर उसकी माँ बच्चा दिखा रही है जो इंसाफ के लिए लड़ेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर वो बन जाएगा एक आर्मी ऑफिसर और जंगर वाला बनेगा एक पुलिस ऑफिसर। ओल्डर शाहरुख खान को ऐसा समझा जाएगा कि वो मर गया और ये वो सीन होगा जहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होगा, इंटरवल होगा, लेकिन उसके थोड़े से इंटरवल के बाद आपको एक यंगर शाहरुख खान की स्टोरी नज़र आएगी और जो बड़े वाले शाहरुख खान भैया हैं। और आप छोटे शाहरुख खान को देख सकते हैं जेल के अंदर, क्योंकि वो जेल में पैदा हुआ था, यहाँ पर वो अपनी टीम बनाएगा लेडीज़ के साथ। बड़ा शाहरुख खान मर जाएगा और छोटा शाहरुख खान बड़े शाहरुख खान का गेटअप लेके बदला लेगा विजय सेतुपति के साथ, ऐसी लेडीज़ टीम बना के। मूवी में ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हाई ऑक्टेन एक्शन कौन कर रहा है, क्या ये छोटा शाहरुख खान है या बड़ा शाहरुख खान है। यहीं पर ही लेडीज़ की टीम भी आ जाएगी और हम एज ऑडियंस भी कन्फ्यूज ही रहेंगे कौन सा वाला शाहरुख खान है, और ये हुआ तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ये वाले सीन में अब जो अवतार है वो विजिलेंटे टाइप का होगा, जो सारे बदले लेगा और शेर की तरह सारों को ख़त्म कर देगा। अब ये जो इंसान दिखाया गया है टगले रूप के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा सटकेल होने वाला है और किसी के भी हाथ आएगा नहीं, यही इसका यूनिक फैक्टर होगा जिस तरीके से ये डांस परफॉर्म कर रहा है। और जब थिएटर्स में ये सब होगा तो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट हो जाएगा, जैसा कि डर में हुआ था। तो आपकी क्या बाकी की थ्योरीज हैं ज़रा कमेंट करके बताओ। ये जो अभी हमने एनालिसिस किया और बहुत ही स्लो मोशन में ये जो ट्रेलर देखा, उससे तो यही कुछ समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट इंडिकेटिवली स्टोरी थोड़ी सी लीक आउट हुई थी उसी डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है। अगर आपने कुछ और भी नोटिस करा तो कमेंट करके ज़रूर बताना।